अच्छा जी, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी जो है वो ये बना है, ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ इसका लुक कैसे। ठीक है, ये चीज़ी जो है बहुत ही मज़े की। अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी बाय एम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि हैं ब्रेड रोल्स। और ब्रेड रोल्स में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले वो आप देख लें इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो है वो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज थी, तो मैंने इसको हाफ़ कर लिए, ठीक है। एक जो है वो सब्ज़ मिर्च मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, और मोज़रेला चीज़ है, ठीक है, ये वाली ये यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है वो चेडर चीज़ है, मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ यूज़ करें, अगर नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा हरा धनिया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मेरे पास स्पाइसेस में सॉल्ट है, नमक, सुर्ख मिर्च और खुश्क धनिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू जो है मैंने लेके उनको बॉईल करके और मैश कर लिया होगा, ठीक है। इसको हाथों से ही आपने कर लेना है। अच्छा, उसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड, ठीक है। तो अब मैं जो है वो प्याज को कटिंग कर लेती हूँ, और धनिया और सब्ज़ मिर्च, और फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या करना है। अच्छे, प्याज को जो है वो चॉप कटिंग में मैंने कटिंग की है, और अभी जो ये ग्रीन चिली है, सब्ज़ मिर्च को भी चॉप कटिंग करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो इसमें पोटैटोज में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, प्याज की, ग्रीन चिली और सब्ज़ धनिया, और जो स्पाइसेस थे वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अभी मिक्स हो चुका है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ब्रेड को जो है वो, ये ब्रेड जो है हमने ले लिए, इसके साइड से जो किनारे हैं इसको हम उतार देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, नाइफ इस तरह से रखनी है और आराम से ये जो निकाल देंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी इसको निकाल सकते हैं, ब्रेड के जो किनारे हैं। कोशिश करें बड़े साइज़ की, जो फुल साइज़ की ब्रेड है वो लें, तो ज़्यादा अच्छी सही रहती है। ये हमें जो है उस टाइम मिली नहीं है, ये वाला साइज़ मिला तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो रोल का साइज है ना, अगर बड़ी ब्रेड लेंगे तो उससे बड़ा साइज के बनेंगे। तो आप इनको वेस्ट मत कीजिएगा, इनको ऐसे यूज कर सकते हैं, इनको ड्राई करेंगे। हाँ, इनको ड्राई करेंगे, ड्राई करके जो है वो ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। वो ग्राइंड करके ना इसके क्रम्स बन जाते हैं, ब्रेड क्रम्स। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इसकी स्टफिंग की। स्टफिंग हमने किस तरह करनी है, आपने जो है वो वाटर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और ब्रेड लेनी है, इसको हल्का सा फौरन से उठा लेना है, ठीक है, और हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है, ताकि इसमें जितना भी ये वाटर है ये निकल जाए। थोड़ा मैं भी सीख लेती हूँ उसके साथ साथ। हाँ, ये देखो, ठीक है, हल्के हाथ से, ताकि ब्रेड जो है हमारी टूटे नहीं, ब्रेड नहीं टूटनी चाहिए। पास अंदर रख ले। अच्छा, ठीक है, ये इसमें से सारा जो वाटर है वो निकल गया। अब इसमें स्टफिंग किस तरह करनी है, आप चाहें तो ये जो है ना इसका पहले इस तरह से रोल बना के रख लो।
अच्छा, पहले जो है मैंने ब्रेड आप लोगों को बताया किस तरह से ब्रेड को गीला किया पानी के साथ, उसको फिर अच्छे से पानी उसका निकाला, फिर जो है उसके ऊपर पोटैटो स्टफिंग रखी, फिर चीज़, और अब दोबारा से पोटैटो स्टफिंग, और अब इसको जो है हम रोल करेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो जो भी आपको। अच्छा, दूसरी साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जैसे इसको शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो। ये देखो मैंने इसको इस तरह की शेप दी, एक मैंने पहले वहाँ पे बना के भी रखा हुआ, ठीक है जी। ये अगर दूसरी साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑयल को प्री हीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल को जो है हमने डाल दिया है, उसको प्री हीट करेंगे। प्री हीट किस तरह करना है, पहले इसको फुल गर्म करना है और फिर जो है इसकी आँच स्लो करनी है, ठीक है, ताकि ऑयल जो है जब हम इसमें डालेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। अच्छा, जब तक ऑयल जो है वो प्री हीट हो रहा है तब तक जो है वो मैं सारे ये तब तक जितने भी रोल्स हैं वो बना के फिर दोबारा से वापस आती हूँ और नेक्स्ट दिखाती हूँ। हाँ जी, तो रोल हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए ऑयल मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमने प्री हीट जो है वो कर ली है, तो अब जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ इसमें। ऑयल आपका मीडियम हीट पे होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत एहतियात से जो है वो उसको आपने डालना। ठीक है, आँच जो है ना मैंने मीडियम आँच रखी हुई है। बहुत ही ईजी स्नैक्स हैं ये, टी के साथ और फॉर एवर एवरग्रीन स्नैक्स, इनको आप कह सकते हैं। ये खूबसूरत गोल्डन जो है ब्राउन कलर इसमें आ गया है, अब हम इसको जो है वो निकालने लगे हैं। ठीक है, हो चुके और ऑयल ड्रेन करने के लिए मैं इसका स्ट्रेनर में इसको रख रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी जो है वो ये बना है, ठीक है, और अब मैं दिखाती हूँ इसका लुक कैसे। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बगैर आप देखें इसका क्रिस्प कितना मज़े का, और चीज़ी रोल जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को रेसिपी जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।